समस्तीपुर में क्लास टेंथ के बाद क्लास इलेवेंथ में टॉपर्स बायोलॉजी क्लासेस क्यों ज्वाइन करते हैं, ये आज हम आंचल से जानेंगे। ये आंचल जो है समस्तीपुर में क्लास टेंथ में टॉपर्स ग्रुप में रही है, तो ये बताएगी अपने एक्सपीरियंस को। ये दो महीने से क्लास कर रही है, कैसा फील कर रही है, कैसा एक्सपीरियंसेस है इसका, यहाँ पर वो शेयर करेगी। और फिर आप जानिएगा कि आखिर समस्तीपुर में टॉपर्स बायोलॉजी क्लासेस को क्यों ज्वाइन करते हैं। इस धीरज बायोलॉजी क्लासेस से मेरी दीदी पढ़ी हुई है, तो वो मेरे को पहले सजेस्ट की कि स्टार्टिंग डे वन, इनफैक्ट हमको बहुत अच्छा लगा सर का एक्सप्लेनेशंस। सर के सारे कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो डिफिकल्ट टॉपिक हो बायोलॉजी का या चाहे वो इजी टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक सर बहुत ही इजीली नीटली वे में समझाते हैं हम लोगों को। इनफैक्ट यहाँ का एक बेनिफिट है कि सर का मॉड्यूल्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है नीट पर्पज़ के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी के एक एक, जैसे हमको हम लोगों को पता है कि एनसीईआरटी का एक एक लाइन नीट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो सर के मॉड्यूल्स भी उसी बेसिस पे होते हैं। एक एक लाइन से सर के मॉड्यूल्स में आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग डे वन सर हम लोगों को टेस्ट पेपर भी प्रोवाइड करते हैं सारे चैप्टर्स का, बस वो सर इनफ नहीं होता, इसलिए सर क्या करते हैं, हमारा सर हर सैटरडे जो भी क्लास में चैप्टर चल रहा होता है उसका टेस्ट भी लिया जाता है हम लोगों से। एंड फिर सर का एक आदत है जिससे सारे बच्चे और अट्रैक्ट होते हैं और आकर्षित होते हैं कि नहीं उनको और बेटर करना है, क्योंकि सर हर सैटरडे टेस्ट लेते हैं एंड फिर उसमें सर रिवॉर्ड भी देते हैं, एज अ रिवॉर्ड एज अ प्राइज कुछ देते हैं उस बच्चों को जो भी टॉपर्स लिस्ट में आते हैं उसे टेस्ट के बाद, तो जिससे बच्चे और चाहते हैं कि नहीं उनको भी बेटर करना है। नहीं तो फिर सर जो इतना मोटिवेट करते हैं हम लोगों को क्लास में कि नहीं तुमको पढ़ना है, तुमको पढ़ाई के तुमको कुछ करना है फ्यूचर में, जिससे बच्चे जो नहीं जो बैक बेंचर्स होते हैं ना वो भी पढ़ने के लिए मोटिवेटेड हो जाते हैं कि हाँ नहीं कुछ तो कर दिखाना है। बाकी सब सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आए या ना आए, लोगों को बायोलॉजी में तो इंटरेस्ट जग ही जाता है इस क्लास को ज्वाइन करने के बाद। एंड ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, सच में अगर आप इस क्लास में आ रहे हो, इस क्लास में सर के एक्सप्लेनेशंस को बहुत ध्यान से सुन रहे हो, तो आपके लिए बाकी सब सब्जेक्ट का तो पता नहीं पर बायोलॉजी तो बहुत ईजी सब्जेक्ट बन जाने वाला है। As my elder sister studied from here, so she suggested me to join this class, and I believe in that elders have more experiences than us because they had gone through that phases of life. And after joining this class, I believe that her suggestions not prove wrong for me. In fact, I would like to say that Dheeraj sir is not only biology teacher, he is such a great philosopher of biology. His explanations of every chapters, even the hard chapters, she go through very easily. She explained us very easily. Any topic, doesn't matter that topic is hard or easy.